ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਲਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਨਕੇ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਆਪ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੀ आप साइप्रस बोल सकते हैं ये दो कंट्री ऐसे हैं जिसमें आप जा सकते हैं विदाउट आइल्स इसके अलावा अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ठीक ठाक हैं और ये गैप को आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप पोलैंड भी जा सकते हैं लातविया भी जा सकते हैं सिंगापुर अपना फ्रांस भी जा सकते हैं जर्मनी भी जा सकते हैं स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं और आप मेरे वेस्टर्न ओवरसीज़ के फेसबुक पेज वेस्टर्न ओवरसीज़ 172 पे काफ़ी ऐसी वीडियोज़ देख सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं यूट्यूब का चैनल हमारा वेस्टर्न ओवरसीज़ के नाम से आप उस पर देख सकते हैं ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यूरोप गए हैं और विदाउट आइल्स गए हैं तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है एक वर्ल्ड एजुकेशन एंड आइल्स फिर हम कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे जिसमें USA कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अपना सिंगापुर साइप्रस इसके अलावा फ्रांस जर्मनी इटली ये सब कंट्रीज़ के डेलीगेट्स प्लस में हमारा सर्टिफाइड स्टाफ क्वालिफाइड स्टाफ वहाँ आपको मिलेगा तो आप इन फेयर में भी आके इस चीज़ का फ़ायदा लगा सकते हैं ले सकते हैं इसके अलावा आप नीरेस्ट ब्रांच जो भी आपकी पड़ती है चाहे वो जलंधर है चाहे अम्बाला है चंडीगढ़ है कुरुक्षेत्र है करनाल जहाँ भी आप नीरेस्ट हैं आप प्लीज़ मेरे ऑफिस में विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो बच्चों नू एक गल कह के नैगेटिव किया जाता है साइप्रस जाके काम नहीं मिलेगा या PR दी ऑप्शन नहीं या सिंगापुर विच जाके तुसी घट पैसे कमा सकोगे कि वाकई बच्चों के नाल धोखा हुंदा है कि इत्थों कुछ दस्या जाता उत्थे जाके कुछ हो रहा है बच्चा सक्सैस नहीं हो पाता जो ये सब झूठिया गल्ला रहिंदी देखिए हम यहाँ से ना पढ़ाई के लिए भेजते हैं ना कि किसी काम के लिए भेजते हैं अभी मैं साइप्रस की बात करूँगा एक लड़की गई संगरूर से एक लड़की थी सी गॉट द वीज़ा फॉर साइप्रस नाउ सीज इन साइप्रस जी सी कॉल्ड मी और उसने मुझे थैंक्स बोला कि थैंक यू सर आपने मुझे साइप्रस भेजा मतलब आई वाज शॉक और मेरा करियर में इस टाइप के बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो मतलब साइप्रस जाके जिसने फ़ोन किया और बल्कि नेगेटिव जरूर बोलते हैं तो मैंने कहा बेटा आपको पॉजिटिव क्या लगा बोले सर मैं एक मेंटेलिटी के साथ आई हूँ कि मुझे पढ़ना है बच्चे जो उतरते सोचते हैं कि बस डॉलर्स यूरो कमाने लग जाए तो वो चीज़ तो टाइम लगेगा तो जो बच्चा पढ़ाई की मेंटेलिटी से जा रहा है डेफिनेटली साइप्रस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है डेफिनेटली सिंगापुर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कोई भी कंट्री माड़ी नहीं है माड़ी हम बनाते हैं हम सोचते हैं हमारी क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं जी कि मैं 3 लाख लगा के गया या 5 लाख लगा के गया अब जाते ही मैं डॉलर यूरो कमाने कुछ चीजें गलत दसियां भी जाती हैं कुछ गलत भी होती हैं कि आपको छोटे मोटे ऐसे कॉलेज में डाल दिया ठीक है आपको फेक डॉक्यूमेंट दे दिए लगा के आपको भेज दिया या वर्क राइट्स बारे नहीं दसया कि साइप्रस जाके 2-3 महीने लगन गए आपके पास आप पढ़ाई ही नहीं कर सकते फिर भी आपको स्टूडेंट वीजा पे भेज दिया तो ये काफी चीजें हैं उसके लिए स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है तो मेरी ऐसी आपसे रिक्वेस्ट है इस टाइप की अवेयर प्रोग्राम काफी चलाए जा रहे हैं तो आप प्लीज अपना पहले जिस भी कंसल्टेंट से अपनी फाइल लगा रहे हैं पहले पूरा जांचो परखो और उसके बाद फाइल दो मैं बता रहा था वर्ल्ड एजुकेशन फेयर एंड आइल्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 8 तारीख को हम मोगा आ रहे हैं 8 अप्रैल होटल बिग बैन में 12 अप्रैल फतेहाबाद होटल लजीज 18 अप्रैल अमृतसर होटल सूर्या रेजिडेंसी रणजीत वेन्यू में 19 अप्रैल जलंधर होटल किंग्स GT रोड पे पड़ता है बस स्टैंड के पास में 21 अप्रैल फतेहगढ़ साइड द ताज होटल चुंगी नंबर 4 के पास है 22 तारीख 22 अप्रैल लुधियाना ए होटल फिरोज गांधी मार्केट 25 अप्रैल अम्बाला खान प्लाजा 27 अप्रैल चंडीगढ़ अरोमा होटल सेक्टर 22C 29 अप्रैल पटियाला गोपाल स्वीट्स लीला भवन चौक पे है 30 तारीख को करनाल होटल ज्वेल्स 2 मई को यमुनानगर में बेकर कैफे लॉन्च
डीएवी बॉयज डीएवी कॉलेज के पास पड़ता है। 3 मई कुरुक्षेत्र में है हम होटल 9th Planet और 6 मई बठिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। दोस्तों वर्ल्ड एजुकेशन एंड आयल्स फेयर इस प्रोग्राम को दिया गया है, जो ये फेयर हो रहे हैं जिसमें यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड पूरा यूरोप के डेलीगेट्स वहाँ पे होंगे। साथ साथ में हम उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये फेयर लेके आए हैं जिन्होंने आयल्स करनी है, क्योंकि आयल्स फर्स्ट स्टेप है, आयल्स के बगैर आप किसी भी डेवलप कंट्री में नहीं जा सकते। तो IDP और BC की सर्टिफाइड ट्रेनर वहाँ पे साथ होंगे हमारे। आपको आयल्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ऑन स्पॉट उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, स्पीकिंग में या लिसनिंग में, बार बार आप अटैम्प्ट कर चुके हैं, आपका स्कोर नहीं आ रहा है, आपको 6 बैंड लेने हैं लेकिन आप 5.5 बैठ के हुए हैं, आपको 7 बैंड लेने हैं आप 6 बैठ के हुए हैं, इन सब का सोल्यूशन आपको इन फेयर में मिलेगा। इससे पहले अगर आप सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप नियरेस्ट ब्रांच में भी विजिट कर सकते हैं जी। और ये जो फेयर है ये 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहे जी। आयल्स नू लैके मेरा सवाल रहेगा, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट के देखिए बच्चों मटीरियल दे दिता जाता है, सिलेबस दिता जाता है, जो किताब के उस तरीके पढ़ाया जा रहा है, की अलग चीज़ तुसी देखते हो, तो किस तरह दियाँ ट्रिक्स होंदियाँ ने या टिप्स होंदे ने जिहड़ियाँ तुसी शेयर करना चाहो कुछ? आयल्स का कोई कोर्स नहीं है ये कि भाई इसमें कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं होता। ये होता है कि स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाया जाए वो टोटली जो डिलीवरिंग मेथड है वो ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए। और कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज होती हैं जो डेफिनेटली वर्क करती हैं। स्कीमिंग स्कैनिंग, जैसे अगर हम अपनी इसकी बात करें, रीडिंग की बात करें जी, राइटिंग टास्क 1 टास्क 2 की बात करें, कोहेजन एंड कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ऐसी काफ़ी टिप्स हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम छोटा है 12 मिनट का है, इसमें अगर मैं बात करने लग जाऊँ तो 1 घंटा पूरा निकल जाएगा बिल्कुल। और सेकेंडली फैकल्टीज हैं जो इस बारे में आपको बताएंगी, BC और IDP की सर्टिफाइड ट्रेनर, वो आपको ऑन स्पॉट ये सारी चीज़ें आपकी असेस करके आपको बताएंगी। हर एक बच्चे की एक अपनी प्रॉब्लम्स है, हर एक प्रॉब्लम की अलग अलग दवाई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेयर में आके इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते। सो फेयर जड़ा लगाया जा रहा है, हर एक कंट्री तो डेलीगेट्स आवगे, तकरीबन एक कंट्री के काफ़ी सारे कॉलेज भी रहेंगे, काफ़ी रश रहेगा। स्टूडेंट किवें कॉलेज की रिसर्च करके आए, यूनिवर्सिटी की रिसर्च करके आए कि उन्होंने उत्थे आके रश के ज़्यादा औखा ना लगे, सीधा वो डायरैक्ट जिथे उन्होंने लगता है कि मैं अपलाई करना या जिथे मेरे रिक्वायरमेंट्स मीट कर दी ने, वो चीज़ा किवें तैयार करके आए, तो कि वो चीज़ा तुहाडे तो पहला फोन जरिए या किसी होर जरिए पूछ सकते हैं? जी डेफिनेटली, आप एक फोन नंबर है 9115017017, 9115017017, आप इस पर कॉल करके आप कंसर्न पर्सन से बात कर सकते हैं, आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं जी। और रिसर्च करने की बात यह है कि आपने US जाना है तो आपको पता है US जाना है, कनाडा जाना है तो कनाडा का आपको पता है। तो आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली जो स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट है तो पूरा रिसर्च करके आते हैं थोड़ा बहुत कि मुझे US जाना है या कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है या न्यूजीलैंड जाना है, तो किस प्रोग्राम में जाना है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें ये प्रोग्राम अवेलेबल है। तो ये थोड़ा बहुत आप रिसर्च करके जरूर आइए। सेकेंडली, आप ये जरूर बताइए कि आपके को पता होना चाहिए कि आप आयल्स में आपका स्कोर कितना है, आपके 10th में मार्क्स कितने हैं, मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं इंडिविजुअल उसमें कितना स्कोर है, सेम 12th में आपकी परसेंटेज कितनी है, कब आप पास आउट हुए और मेजर सब्जेक्ट्स में कितने आपके स्कोर हैं, उस हिसाब से ही हम आपको बता पाएंगे। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा इस बारे में थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करके आएँ, और उसके बाद हमारे जब आप सेमिनार्स में आएंगे, फेयर में आएंगे, तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन डेस्क पे पहुंचोगे तो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के डेलीगेट से मिलाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कॉलेज जो प्रोग्राम स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उसमें नहीं हो, दूसरे में है, तो मेरा पूरा स्टाफ इसी चीज़ की हेल्प के लिए वहाँ पे होगा कि आप किस यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे रिलेटेड प्रोग्राम दे रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ऑन स्पॉट आपको सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आयल्स में समस्या है तो आयल्स का भी सेम ऐसा ही है, आप अपने क्वेश्चन जरूर लिख के लाइए कि मैडम मेरे 5 बैंड आ रहे हैं, 6 मुझे कैसे लूँ, 6 आ रहे हैं तो मुझे 7 कैसे चाहिए, रीडिंग में कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है, राइटिंग में कौन सी हो सकती है, लिसनिंग और स्पीकिंग में कौन सी हो सकती है, वो ऐसा यूनिक चीज़ हमारे पास क्या है जिससे आपका स्कोर आ सकता है, ऑलरेडी आप किसी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वहाँ क्या टिप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, हमारी कैसे यूनिक है ये थोड़ा सा आपको जजमेंट आपको पता होना चाहिए। ये जजमेंट तभी हो पाएगा जब आप टाइम स्पेंड करोगे, हमारे फेयर में आओगे। एक चीज़ की जरूर गारंटी दूंगा कि ये फेयर आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा, आप इस फेयर में आएंगे तो डेफिनेटली आपके रिसर्च की एंड खत्म हो जाएगी, कि इसके बाद आपको कोई और रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और कंसल्टेंट को आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इट्स माई गारंटी कि वी आर द डेडिकेटेड स्टाफ, वी आर ओनली फॉर यू, और जो हम बताएंगे डेफिनेटली वो होगा जो
मतलब आपके भविष्य के लिए जरूरी होगा जी। जिहड़े बच्चे रिजेक्ट हो चुके हैं किसी भी कंट्री तो रिफ्यूजल आ चुकी वह भी इस फेयर दे विच आ सकते हैं? श्योर सर, रिजेक्शन होगी तो क्या होगा, रिजेक्शन वाले बच्चे भी जा सकते हैं। देखना ये होगा कि क्यों रिजेक्शन आया, तो प्लीज़ अपना रिफ्यूजल लेटर जरूर लेके आए, अपना ऑफर लेटर लेके आए, हो सके तो जो फाइल की फोटोकॉपी जो एम्बेसी में गई थी अगर वो फोटोकॉपी हमें मिल जाए तो मैं देख पाऊंगा कि आपने क्या गलती की है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करिए दोस्तों, नो प्रॉब्लम, आप आइए, अभी मतलब जिंदगी खत्म नहीं हुई। एक अगर रिजेक्शन आया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपका वीज़ा आएगा, रीजंस कई हो सकते हैं, वो रीज़न फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद दोबारा आपकी फाइल लगाएंगे। दो मिनट का समा बचे, की खास सुनेहा या मैसेज देना चाहोगे या की कहना चाहोगे उन बच्चों को जो इन अफेयर्स में आना चाहते हैं? दोस्तों मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि वेस्टर्न ओवरसीज हर एक कंट्री में डील करता है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, आयरलैंड, यूरोप के सारे कंट्रीज, सिंगापुर, साइप्रस, और इन सारे कंट्रीज के डेलीगेट्स अंडर वन रूफ होंगे, आपके शहर में होंगे। इसके अलावा आइल्स के लिए बीसी और आईडीपी के सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे, तो हर एक समस्या का सोल्यूशन अंडर वन रूफ होगा। मैं बताना चाहूँगा कहाँ कहाँ पे ये हो रहे हैं। मोगा 8 अप्रैल होटल बिग बैन, 12 अप्रैल को फतेहाबाद होटल लजीज, 18 अप्रैल अमृतसर होटल सूर्या रेजिडेंसी, 19 अप्रैल जलंधर किंग्स होटल, 21 अप्रैल फतेहगढ़ साहिब ताज होटल, 22 अप्रैल लुधियाना ए होटल, 25 अप्रैल अंबाला सिटी कर्ण प्लाजा, 27 अप्रैल चंडीगढ़ अरोमा होटल सेक्टर 22C, 29 अप्रैल को पटियाला गोपाल स्वीट्स लीला भवन चौक पे, 30 तारीख को करनाल होटल ज्वेल्स, 2 मई यमुनानगर बेकर कैफे लॉन्च, 3 मई कुरुक्षेत्र होटल नाइन्थ प्लानेट, 6 मई बठिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। आप यहाँ प्लीज़ इन फेयर में आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, आपकी एंट्री फ्री होगी, अप्लीकेशन फी वेव ऑफ है, कोई सर्विस चार्ज नहीं है। मीन्स इन फेयर में आने का मतलब यह है कि 40 से 50 हज़ार रुपये आपकी सेविंग होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी शो विच आने लई। 91-150-17-017 इस नंबर उत्ते कॉल करके तुसी वैस्टर्न ओवरसीज़ नाल जुड़ सकते हो। फेसबुक जरिए वैस्टर्न ओवरसीज़ 172 पेज नू लाइक करके इनबॉक्स विच मैसेज छड्डा जा सकता है, जिहड़ी सारी तमाम जानकारी ली जा सकती है। शो नू खत्म करदे हां, अपने दोस्त कुलदीप नू दिओ आ गया धन्नवाद, सत श्री अकाल।